पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर 5 वर्ष पूर्व नेपाल आए और यहां से वो रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। आज तक उनका कोई सुराग नहीं है। उनकी गुमशुदगी की जांच की गई थी, उस जांच से कुछ पता चल सका, कोई सुराग मिला? ये जानने के लिए मैंने 5 वर्ष बाद नेपाल में उन्हीं रास्तों से सफर किया जिन रास्तों से कर्नल हबीब ने सफर किया था, और उस स्थान पर गया जहां वो आखिरी बार देखे गए थे। कर्नल हबीब जाहिर 5 साल कब काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल पर उतरे थे। यहां से उन्हें लुम्बिनी शहर जाना था, इसके लिए उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़नी थी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहां से कुछ दूरी पर है। कर्नल हबीब के लापता होने के समय नवराज छिलवाल नेपाल पुलिस के उप महानिदेशक थे, अब वो नेपाली संसद के सदस्य हैं। मैंने उनसे भेंट की और जब उनसे जांच पैनल की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उस समय के बारे में अब बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि नेपाल की एजेंसियां और इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसमें, जब जहां तक दूसरे तीसरे देश के मामले आए तो फिर मल्टीनेशनल टास्क फोर्स भी बना करके इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको अगर अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सॉल्व करने के लिए नए तरीके से नया सोच बना करके नया पैनल खड़ा करके आगे बढ़ना भी जरूरी है लगता है। यहाँ से मुझे इस केस के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल सकी। मैंने महसूस किया कि नेपाल के सरकारी वर्ग में कर्नल हबीब के लापता होने का मामला बहुत संवेदनशील है। मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के एक सलाहकार गोपाल खनाल से बात की। मैंने उनसे पूछा कि कर्नल हबीब का गुम होना एक बड़ा मामला था, इसके बारे में उस समय की सरकार को क्या सूचना मिली थी? एक सेना का ऑफिसर का लापता होने का है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक 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 प्रकार के कई टसल हमको नजर आते हैं जो पाकिस्तान का, जैसे इंडिया के जिक्र है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा शायद वहाँ पे, लेकिन नेपाल सरकार का ये मानना है कि इशू नेपाल के इशू यही तो नहीं, लेकिन नेपाल के जो टेरिटोरी से वो गायब हुए थे नेपाल से, इसलिए नेपाल सरकार थोड़ा उसको ध्यान दिया था। तो एक कमेटी भी बनाया, रिपोर्ट भी आ गया। मेरे ख्याल में नेपाल सरकार को अभी मालूम, उनके उनके वेरेबल्स के बारे में मालूम तो नहीं है, लेकिन ये मानना है कि वो नेपाल में नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर यहाँ नेपाल आने के बाद पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए इसमें होस्टाइल एजेंसियों का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ कई वजह से कई मुल्कों की खुफिया एजेंसियाँ सरगर्म रही हैं। मैंने होम मिनिस्ट्री से रब्ता किया, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहलकारों से बात की, लेकिन कोई भी कर्नल हबीब की गुमशुदगी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामला काफ़ी पुराना है और इसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी हेमंत मला कर्नल हबीब की गुमशुदगी के समय नेपाल के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CIB के चीफ थे। उनका कहना है कि कई कारणों से नेपाल विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। क्या आप अभी देखेंगे तो इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी भी दिखती है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिखती रहती है उसमें, और दूसरा आप देखेंगे पाकिस्तान का भी दिखता है। कई केसेज हैं, अभी केस में भी केस के बारे में बोलेंगे हम लोग, चाइना हो गया, उसके बाद आपका वेस्टर्न्स का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबके अपने अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन बीच में जो नेपाल जो है, नेपाल बीच में कभी कभी पिस जाता है इसमें, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट क्या होता है कि नेपाल का सिक्योरिटी जो प्रायोरिटीज़ हैं उससे फ़र्क भी हो सकती हैं। कई में क्या होता है कि दो देश के बीच में नेपाल कभी कभी कहाँ जाएँ क्या करें उसमें परेशानी हो जाती कभी। कर्नल हबीब के लापता होने के बारे में आम धारणा यही है कि वो जिस तरह लापता हुए उसमें किसी एजेंसी का ही हाथ हो सकता है। मैंने नेपाल के इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार सरोजराज अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अपने देश में विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों की गहरी छानबीन की है और उनके बारे में 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका कहना है कि कर्नल हबीब जिस तरह गायब हुए, हो सकता है कि पाकिस्तान का ये अंदाज़ा सही हो कि इसमें होस्टाइल एजेंसियों का हाथ है। देखिए, अभी तजुर्बे की बात हुई कर्नल हबीब की, मेरे ख्याल से वो साउथ के तरफ ही गए होंगे।
शायद उनको ले जाया गया भी होगा, वो आपको 8-10 साल के बाद फिर पता भी चल जाएगा कि कोई अक्षय कुमार का मूवी आएगा उसमें दिखा दिया जाएगा कि कर्नल अभी को कैसे लेके गया था, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो तो छुपने की बात नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि इंडिया यहाँ जो करता है ना वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के वो ऐसे करता है कि पता चले इन लोगों को कि हमारे यहाँ इतनी इन्फ्लुएंस है। बहुत ओपन सीटेड। काठमांडू के बाद मेरा अगला पड़ाव लुम्बिनी था। प्लेन से ये यात्रा 40 मिनट की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर ने काठमांडू से लुम्बिनी का सफर एक डोमेस्टिक फ्लाइट से किया था। इसके लिए टिकट उन्हें काठमांडू में रिसीव करने वाले व्यक्ति ने दी थी। लुम्बिनी के लिए प्लेन पर सवार होने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर ने यही इसी जगह पर अपनी एक फोटो खींची थी। ये फोटो सेल्फी नहीं थी, इसे किसी दूसरे शख्स ने खींचा था। वो शख्स गालिबन इनके साथ सफर कर रहा था और वो शख्स इस केस की एक अहम कड़ी है। कर्नल हबीब को संयुक्त राष्ट्र के किसी जॉब के सिलसिले में लुम्बिनी बुलाया गया था। लुम्बिनी नेपाल और भारत के बीच एक सीमांत कस्बा है। यह भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है। यहाँ कोई वाणिज्य और कमर्शियल गतिविधि नहीं होती। लुम्बिनी का हवाई अड्डा भारत की सरहद से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्नल हबीब ने अपनी फैमिली को आखिरी बार मैसेज इसी हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद किया था। मैंने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इसके बारे में बात करने के लिए कॉन्टैक्ट किया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस मामले पर भारत की यही पोजीशन रही है कि उसे इसके बारे में मीडिया की खबरों से पता चला था, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे इस तरफ एयरपोर्ट है और उससे पीछे लुम्बिनी है। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ जहाँ वो एयरपोर्ट से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो गेट दिख रहा है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो है पॉइंट है और ये एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ाना एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट माधव नेपाल हमारे साथ मौजूद हैं। माधव जी, ये बताएं कि जब जो कर्नल हबीब की गुमशुदगी का मामला हुआ था लापता होने का, उसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था, तो उसका क्या रहा, उसका क्या नतीजा निकला और क्या कमीशन की इंक्वायरी? उसके बारे में नेपाल सरकार ने एक कमीशन बनाया था, उस समिति ने छानबीन भी किया लेकिन वो कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा। तो ये बताएं कि जो इसकी कोई रिपोर्ट आई थी, कोई इसको पब्लिक किया गया था? नहीं, अभी तक नेपाल सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया है। कूटनीतिक हिसाब से पाकिस्तान को बुझा दिया तो हमको मालूम नहीं, लेकिन नेपाल सरकार ने कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया है। नेपाल हुकूमत की तफ्तीश भले ही किसी नतीजे पर न पहुंची हो लेकिन एक बात वादे है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर लुम्बिनी एयरपोर्ट और इंडिया की सरहद के दरमियान ही कहीं गायब। उनके साथ कौन सफ़र कर रहा था, उन्हें यहाँ किन लोगों ने रिसीव किया, ये वो अहम सवाल हैं जिसके बारे में नेपाल के सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह खामोश हैं। 5 साल बाद भी कर्नल हबीब की गुमशुदगी पुरसरार बनी हुई है, उनका कोई सुराग नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि जो लोग उन्हें ले गए वो उन्हें क्यों ले गए।